भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े ने एक बड़ा खुलासा किया है। दरअसल उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने फडणवीस को 40,000 करोड़ का फंड बचाने के लिए मुख्यमंत्री बनाकर ड्रामा किया है। हेगड़े ने कहा कि आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में हमारा आदमी 80 घंटे के लिए मुख्यमंत्री बना और उसके बाद इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ये नाटक क्यों किया? क्या हमें नहीं पता था कि हमारे पास बहुमत नहीं था और फिर भी वो सीएम बन गए? ये वो सवाल है जो हर कोई पूछता है। हेगड़े ने आगे कहा कि सीएम के पास करीब 40,000 करोड़ की केंद्र की राशि थी। अगर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना सत्ता में आते तो वो 40,000 करोड़ का दुरुपयोग करते। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने इस पैसे को विकास के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया जा सके, इसके लिए ड्रामा किया गया। उन्होंने आगे कहा कि बहुत पहले से बीजेपी की ये योजना थी, इसलिए ये तय किया गया कि एक नाटक होना चाहिए और इसी के तहत फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ली। शपथ लेने के 15 घंटे के अंदर फडणवीस ने सभी 40,000 करोड़ रुपयों को उस जगह पहुंचा दिया जहां से वो आए थे। इस तरह फडणवीस ने सारा पैसा वापस केंद्र सरकार को देकर बचा लिया। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.